दोस्तों अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन को खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रविचंद्रन अश्विन की धारदार गेंदबाजी देख खुश हुए भारतीय दिग्गज। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन रविचंद्रन अश्विन ने अपनी धारदार गेंदबाजी से हर किसी को हैरान कर दिया। रविचंद्रन अश्विन ने तूफानी गेंदबाजी कर सभी को अपना दीवाना बनाया। इसी बीच भारतीय दिग्गजों के भी होश रविचंद्रन अश्विन की शानदार गेंदबाजी को देखकर उड़ गए, जहां पर उन्होंने रविचंद्रन अश्विन की शानदार गेंदबाजी को देख ऐसा सनसनीखेज बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार रविचंद्रन अश्विन की धारदार गेंदबाजी पर भारतीय दिग्गजों ने क्या बयान जारी किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन में से कौन है बेहतरीन दिग्गज गेंदबाज, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम अंतिम टेस्ट मुकाबला खेल रही है, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को 225 रन 4 विकेट के नुकसान पर रोक दिया। लेकिन दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को पूरी तरीके से ऑल आउट कर दिया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम 480 रन के अंदर पूरी तरीके से ऑल आउट हो गई। जहां पर भारतीय टीम की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने सर्वाधिक 6 विकेट लिए, तो वहीं मोहम्मद शमी ने 2 और इसके अलावा रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन दोनों ने 1-1 विकेट हासिल किया। लेकिन इसके बाद जब बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम मैदान पर आई, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिन की समाप्ति तक 36 रन बिना विकेट खोकर बना दिए, जहां रोहित शर्मा ने 17 और शुभमन गिल ने 18 रन की पारी खेली। ऐसे में रविचंद्रन अश्विन की दमदार गेंदबाजी को देखकर भारतीय दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा कि इस मुकाबले में दूसरे दिन भारतीय टीम ने वापसी की और भारतीय टीम की वापसी का असली हकदार और कोई नहीं बल्कि रविचंद्रन अश्विन। किस अंदाज से भारतीय टीम को जीत दिला सकते हैं, इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि रविचंद्रन अश्विन हमेशा से भारतीय टीम के लिए सबसे कामयाब गेंदबाज रहे और जब जब भारतीय टीम को विकेट की आवश्यकता पड़ी है तब तक रविचंद्रन अश्विन ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके अलावा हरभजन सिंह ने बयान देते हुए कहा कि रविचंद्रन अश्विन ने दूसरे दिन शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को जोरदार वापसी करा दी है। यहां पर उन्होंने दिखा दिया कि किस तरीके से भारतीय टीम को दोबारा से मुकाबले में लाने का काम रविचंद्रन अश्विन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए रविचंद्रन अश्विन जब तक बेहतरीन गेंदबाजी करते रहेंगे तब तक भारतीय टीम को हार की टेंशन नहीं लेनी है और रविचंद्रन अश्विन की शानदार गेंदबाजी देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। इतना ही नहीं, गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि इस मुकाबले में रविचंद्रन अश्विन ने शानदार गेंदबाजी का परिचय दिया है। रविचंद्रन अश्विन ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से दिखा दिया है कि किस प्रकार से मुकाबले में भारतीय टीम वापसी करना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए रविचंद्रन अश्विन वो सितारा है जो कभी भी मुकाबले का रुख बदल सकता है और इस मुकाबले में रविचंद्रन अश्विन ने 6 विकेट लेकर वही काम कर दिया है। मुझे लगता है रविचंद्रन अश्विन भारत को जीत दिला सकते हैं। तो दोस्तों रविचंद्रन अश्विन की शानदार गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।